देखिए ना कितना प्यारा प्रसंग है। माँ भगवती ने माँ मैना से कहा, माई मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा, सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। अब यदि मेरे प्रारब्ध में यही बम बम बाबा हैं तो आप काहे लिए दोष लगाती हो किसी। सबका अपना तरंग है, हो अपना रस है, अपना आनंद है, किसके संग कौन रहेगा ये भी नदी नाव संयोग नहीं है, ये वहां की व्यवस्था है। कौन किसके संग जीवित रहेगा, आप में से जो लोग समझदार हो, कहीं पंजाब में होशियारपुर जिले में एक जगह है जहां पर भृगु संगीता रखी है, होशियारपुर जिले में, उसमें आप जाकर के अपने एक दो जन्म आगे पीछे का भी पूछेंगे तो पंडित जी महाराज बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे तब जब आपका जन्मांक वहां मिलेगा, नहीं तो नहीं बताएंगे। उसमें ये भी लिखा है कि आप ये तंत्र व्यवहार ज्योतिष किस अपने रिश्तेदार के साथ सुनने आए हैं, आपके कितने बच्चे होंगे, पिछले जन्म में क्या थे, आगे आपके क्या क्या होने वाला है, सब कुछ ज्योतिष सनातन धर्म के सदग्रंथों की नेत्र आंख है, इसमें सब कुछ समाहित है, इसका बोध होना चाहिए। चाहे जैसा ज्योतिष नहीं है, बोध होना चाहिए। मेरी माँ ने समझाया माँ मैना जी को, नारद जी वेदशिरा सप्तऋषियों के साथ आते हैं, पार्वती मैया के पिछले जन्म की गाथा सती स्वरूप का सुनाते हैं और कहते हैं, देवी मैना हिमांचल जी आप अन्यथा दुखी हैं, आपकी पुत्री, ये पुत्री नहीं, ये तो जगत की माँ है, जग जननी जगदम्बा है, पिछले जन्म में भी शिव प्रिया थी, आपके पुण्य के परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपकी पुत्री हुई है, अस्तु इनमें जग जननी का भाव रखिए, पुत्री का भाव नहीं, शिवजी जगदीश हैं और ये जगदम्बा हैं। बोलिए जग जननी मैया की, भूत भावन भगवान की। इतनी वाणी सुनकर सप्त ऋषियों नारद जी वेदशिराद की, तब मैना हिमवंतु अनंते लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबल भारत घट नाना, एक भये यवनारा, सुख शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सोच मनार की जाए पराई, बसई भवन जी मात भवारा, सोच मनार की जाए पराई, बसई भवन जी मात भवारा। सब आनंदित हो गए, भगवान विष्णु ब्रह्मा सब देवता दिग्पालों को बुलाया गया और सबको दिव्य भोजन प्रसादी कराया गया। भोजन प्रसादी बड़े ही आदर के साथ कराना चाहिए, बिठा के कराना चाहिए, बिठा के परस परस के कराना चाहिए। और ले लीजिए, ये देखिए गाजर का हलवा है और ए रसोगुल्ला है खा लीजिए, ये देखिए मैं बाहर से मंगाया बीकानेर की गुजिया लीजिए। प्रसाद बड़ी स्नेह और श्रद्धा पूर्वक कराना चाहिए हो। आजकल का जो सिस्टम चल रहा है ना, बफेलो सिस्टम, लगा दिया टूट पड़ो, ये सम्मानजनक नहीं है। हाँ, परिवार के लोग जो भी हैं आदर पूर्वक सबको पूछ पूछ करके प्रसाद, देखिए लिखा है, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंज देव सब जाति, विविध भांति बैठी जवनारा, लागे प्रसन्न निपुण सुवा, नारी वृंद सुर जेवत जा, लागी तेन गाए मृदु बा। माताएं देवताओं को प्रसाद पाते है गारी देने लगी, समय सुहावन गारी बिराजा। उत्सव का यही आनंद है, उत्सव में पूर्ण आनंद लेकर के रहा करिए। कोई आपके घर आए तो आपका खिलाना पिलाना उसका स्मरण बन जाए, साहब उत्सव बन जाए,
बिना पूछे नहीं। और ये भी ध्यान रखना, किसी का सम्मान ये है कि सेवक सेवा न करे। हमारे आदरणीय भाऊ जी बीकानेर वाले, जहाँ हम लोग ऊपर प्रसाद देने जाते थे, क्या नाम, हाँ मदन लाल जी, हाँ बीकानेरी गोयनका जी, क्या नाम, तो वो उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनके पोती, उनकी नाती, सब प्रसाद एक साथ सब खिलाते, नौकर प्रवेश नहीं करते साहब। हाँ आदरणीय मदन लाल जी बीकानेरी वाला। श्रेष्ठता यही है कि हम अपने घर आए अतिथि का सम्मान अपने घर से करें, उसके हृदय में। देखिए कब की घटना है, 10 साल पहले की घटना है, हमको आज तक स्मरण है। बड़ा हम व्यवहार से बने, बड़ा धन से और कोठी से नहीं, बड़ा हम आचरण से बने। बड़प्पन की हमारे पूजा होगी और दूसरा सीख लेगा कैसे खिलाना, कैसे बिठाना, कैसा आदर करना। महाराज पधारो पधारो, वाह वाह क्या आनंद आया आपके संग में, बहुत आनंद। माताएं गारी सुना रही हैं, देखिए ना है? गारी मधुर स्वर दे सुंदरे, गारी मधुर स्वर दे सुंदरे, विज्ञ बचन सुनावे सीताराम के भजन दे, विज्ञ बचन सुनावे सीताराम के भजन करे देवता लोग प्रसाद पाए। कुछ देवता तो मंडप में ही आ गए और मंडप में अब विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने का समय आ गया। आप कहेंगे महाराज बहुत कठोर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी विवाह उत्सव में जाइए तो समय लेके जाइए जो अपने रिश्ते नाते हैं, और विवाह के अवसर पर मंडप में निश्चित विराजमान होइए। भोजन तो आजकल सबको सुलभ है, भोजन करने का नाता नहीं होता है, उपस्थित रहने का नाता होता है, संबंध होता है। जो श्रेष्ठ देव जन हैं सब मंडप में आ गए। मुनियों ने लग्न का समय बताया हिमांचल जी को, कन्या की रचना बनाइए, श्रृंगार कराइए और बिटिया रानी को लेकर के सहेलियां उनकी पधारें, भगवान ब्रह्मा मंडप में विराजे और दिव्य सिंहासन अपने कर से सजवाए। सिंहासन यति दिव्य सुहावा बनने न जाए हिरंचिवना, सब साज सज गया, खबर गई जनवासे से भगवान भोलेनाथ पधारे। मेरी माँ ने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा लीला पूरी हो गई, अब सहज स्वरूप में कृपा करें। दिव्य पीताम्बर धारण किए भूत भावन भगवान भोलेनाथ दूल्हे स्वरूप में पधारे। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए दूल्हे भगवान की जय हो। मंडप में विराजे सभी स्त्री पुरुष देवगण देवताओं देवियां देवांगनाएं, सबने बाबा को मन ही मन प्रणाम किया, मेरी माँ आई माँ को प्रणाम किया गया। जग जननी सुंदरता मर्यादा की खानी, इनके स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। करोड़ों बदन मुख नहीं, प्रशंसा नहीं, भाव नहीं, उनकी महिमा का गुणगान नहीं। देखिए छंद, कोटि हो बदन नहीं बनाए जग जननी शोभा, सकुच ही बहत श्रुति से मंदमति तुलसी कहा, शिवा जहां छवि धाम मातु भवानी
मुख मेरी माँ की प्रशंसा नहीं कर सकते, इसलिए वेद भगवान पुराण आदि क्या गाएंगे, और जब ये नहीं गा सकते तो बाबा कहते मैं क्या कहूँगा। माँ जहाँ भूत भावन भगवान विराजमान है, थोड़ी दूर पर मैना माँ और हिमांचल जी के बगल में सखियों ने बिठा दिया। मेरी माँ का मन भगवान शिव के सिर चरण में उपस्थित है।